अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ओट्स बनाना स्मूथी बनाएंगे, जो ब्रेकफास्ट और इवनिंग टाइम स्नैक्स के लिए परफेक्ट रहेगी, हेल्दी फीलिंग और वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, जो बनाने में आसान रहेगी। ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। ओट्स बनाना स्मूथी बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना, 3 से 4 टीस्पून ऑफ ओट्स, थोड़े से चिया सीड्स जिसको पहले से भिगो कर रखा है मैंने, सिनेमन पाउडर, ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिया है, 1 ग्लास फुल ऑफ फ्रेश मिल्क, 3 से 4 फ्रेश डेट्स और 1 छोटी बॉल फुल ऑफ दही। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम ओट्स सोक कर लेते हैं। ओट्स एक बॉल में डाल लीजिए और 1/2 ग्लास ऑफ दूध में सोक कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 10 से 15 मिनट सोकिंग के लिए रख दीजिए। एक ब्लेंडर का जार ले लेंगे, उसमें हम 10 से 15 मिनट सोक करे हुए ओट्स डाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सोक हो चुके हैं अपने ओट्स, सारे जार में डाल लीजिए। एक मॉस को पील करके डाल लीजिए, 3 से 4 फ्रेश डेट्स डाल लीजिए, उसमें के सीड्स निकाल के डालिए, 1/2 बॉल ऑफ दही डाल लीजिए, 1/4 स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर डाल लीजिए। सिनेमन पाउडर से टेस्ट एनहांस होगा और वेट लॉस में भी हेल्प होगी। 1/2 ग्लास ऑफ दूध डाल लीजिए, 2 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स डाल लीजिए जिसको हमने पहले से सोक करके रखा है। चिया सीड्स फिलिंग रहेगा और वेट लॉस में भी हेल्प होगा, सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। 4 से 5 बादाम डाल लीजिए, थोड़े से काजू डाल लीजिए। अब हम इन सारों को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी और स्मूथ फाइन कंसिस्टेंसी बनी है, टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है, हेल्दी है, फिलिंग है, छोटा और बड़ों के लिए बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। थोड़े से स्लाइस्ड बनाना डाल लेंगे, थोड़े से ओट्स डाल लेंगे। ये देखिए कितनी थिक, क्रीमी, स्मूथ, फाइन कंसिस्टेंसी की ओट्स बनाना स्मूथी रेडी हुई है। कुछ ही समय में बिना कुछ एफर्ट के तैयार हो जाएगी। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में सर्व करिए, बड़े छोटे सबको पसंद आएगी और हेल्दी रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर कमेंट करिए।